हाय गाइस, मेरा नाम सागर आ चौहान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है, मैं सिर्फ बैठा था एंड आई वाज लाइक कि मैं थोड़ी बहुत जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं एंड थैंक यू मेरे आज मोर देन 170 सब्सक्राइबर्स है। थैंक यू ऑल द पीपल हु हैव सब्सक्राइब द वीडियो, हु आर लाइकिंग इट, हु आर कॉमेंटिंग इट, हु आर यू नो शेयरिंग इट विद द पीपल एंड जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे छोटे छोटे मैसेज करते हैं, इमोजीज भेजते हैं। मुझे लगा नहीं था कि एक यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालना ऐसा एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड मैं तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, बट टुडे आई रियलाइज कि एक यूट्यूब पे बात करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक यूट्यूब पे बात करना या यू नो एक ऑडियंस होना या जो लोग आपसे रिलेट करते हैं दोस्त, यू नो इट इज़, मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ तो मुझे पता नहीं कि कैमरे के वो साइड पे देर आर पीपल, ऐसे लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं। ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था, मैंने तो यार लोगों मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10, 20, 30, 40, 50 लोग भी मुझे देख के यू नो चाहे वो यू नो 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, आपके अपने ज़िंदगी के 2-3 मिनट ना मुझे देखने में इन्वेस्ट करेंगे। एंड ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है। और ये आज ना मैं जब अपने व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट मैं कौन से टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक पे मैं ये जो यूट्यूब की दुनिया है इस पर रख के शेयर कर सकता हूँ, मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं ये बता सकूँ कि व्हाट डू यू नीड टू मेक योर यूट्यूब राइट नाउ। आपको यूट्यूब के दुनिया में आना क्यों चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हम लोग जितने भी लोग आज यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक इच्छा होती है कि भाई मैं यूट्यूब पे मैं भी कुछ डाल सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं अपने को लगता है यार यू नो मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास ईयरफोन्स नहीं है, और ये सारी जो चीज़ें होती है ना ये एक मेंटल ब्लॉक है। दिस इज़ द मेंटल ब्लॉक, और ये मेंटल ब्लॉक से ना मैं गुजर चुका हूँ। और ये मेंटल ब्लॉक से गुजरने के बाद जब मैं ये चीज़ से बाहर आया और जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला मुझे एक रिलीफ फील, मैं खुद को ना बहुत ही फ्री महसूस करना चालू किया, मैंने किया बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड ये मैं यूट्यूब पे चैनल नहीं बना सकता हूँ और मैं बना रहा हूँ, ये दोनों के बीच का जो टाइम था ना दोस्त, वो मेरे ज़िंदगी पे सिर्फ ये माइंडसेट को चेंज करने में कि मैं यूट्यूब देखने से यूट्यूब बनाने पे आया, ये जो ब्रिज है ये मुझे क्रॉस करने के लिए ना तकरीबन ना 6 साल लग गए। हाँ 6 साल लग गए, बिकॉज मेरे खुद के सेल्फ डाउट ने मुझे रुका के रखा था कि यार तू कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बता रहा था कि तू नहीं कर सकता है, मैं खुद से ही बात कर रहा था बोल रहा था यार देर माइट नॉट बी एनीबडी इन दिस यूट्यूब कम्युनिटी वुड वॉन्ट टू सी मी। और आज आई थिंक 20 या 22 दिन के बाद देर इज़ अ कम्युनिटी ऑफ 170 पीपल प्लस जो मेरा कॉन्टेंट रोज़ देखते हैं या यू नो अपने लाइफ के 4-5 मिनट उसमें डालते हैं। तो पहली बात तो इट इज़, अगर आपके पास कुछ है बोलने के लिए, दिखाने के लिए, आपको देखने वाले लोग बहुत हैं, तो पहली बात तो आपको YouTube पे आना चाहिए। अभी जब यू नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम लोग YouTube चालू करते हैं उसमें एक वाई होना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी क्यों है। आप तो यू नो एक अच्छा सा जॉब कर रहे हो या एक कॉर्पोरेट हो या आप स्टूडेंट हो या आप स्कूल में हो या आप एक हाउसवाइफ हो, आपको ये चीज़ के लिए टाइम अलग से निकालना पड़ता है। मेरे हिसाब से जो कंटेंट मैं अभी बना रहा हूँ फिलहाल वो बहुत हाई एंड कंटेंट नहीं है, मैं सिर्फ एक अपना फ़ोन लेता हूँ, कोई स्टैंड पर डाल देता हूँ, पीछे की चीज़ें अच्छी रख देता हूँ एंड आई एम लाइक, और मेरे ये जो ईयरफोन जो मैं यू नो बात करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो यूटिलाइज करके आई ट्राई टू मेक कॉन्टेंट। एंड मैं 10-15-20 मिनट सॉरी हाँ पसीना आ रहा है 10-15-20 मिनट निकाल के मैं कंटेंट शूट करता हूँ एंड देन आई एम लाइक मैं डाल देता हूँ अपने यूट्यूब पे। जस्ट टेक 10-15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स टू
सेट इट अप, मतलब अपलोडिंग से लेके स्केड्यूलिंग तक इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स। सो मैं आपको व्हाट इज़ द वाई कि आपको यूट्यूब पे क्यों आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और हाँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा है अगर आपका एक सब्सटैंशियल क्वालिटी का ऑडियंस है, अगर आपके पास व्यूवर्स है तो आपके देर आर ब्रांड्स हु आर विलिंग टू पे यू। अभी इट इज़ वेरी सिंपल फॉर ब्रांड्स ऑल्सो कि यार रादर दैन पेइंग अ ए लिस्ट एक्टर एक्स अमाउंट, हम लोग उसके 1/10 ऑफ द प्राइस में एक इन्फ्लुएंसर को पैसा दे दे हु कैन मेक मच मोर, हु कैन ब्रिंग मच मोर एंगेजमेंट टू देयर प्रोडक्ट, दैट इज देयर फोकस। तो पैसे के लिए कोई लोग करते हैं, कोई लोग देर आर सम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो सिर्फ हेल्प करने के लिए लोगों को करते हैं विदाउट मोनेटाइजिंग देयर चैनल। उसमें से एक तो संदीप महेश्वरी जी है। संदीप महेश्वरी जी, ये आई होप आप ये वीडियो देखें, अगर आप ये वीडियो देखते हैं कभी भी, अगर आप रिसेंटली देखा तो अच्छा है जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, या उसके मे बी ये 3-4 साल के बाद अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचता है, थैंक यू सर। मैं हाथ जोड़ के आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा मोटिवेट करते हैं, और आपकी मोर देन थैंकिंग यू ना सर, मैं हाथ जोड़ के एकदम नम्रपने ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू टू योर फैमिली ऑल्सो, सो दैट उन्होंने जो आपको अपब्रिंगिंग दी है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसके वजह से आप जैसे बने हो, तो उनको भी एक थैंक यू जाता है। सो थैंक यू संदीप महेश्वरी जी फैमिली ऑल्सो। सो देर आर दिस टू काइंड ऑफ पीपल की जो मुझे उठना पड़ा था। सो देर आर दिस टू काइंड ऑफ पीपल जो एक पैसों के लिए आते हैं, एक व्यूअरशिप के लिए आते हैं, एक है जो एक्चुअल में मोटिवेट करना, यू नो, लोगों को करना चाहते हैं। तीसरे टाइप ऑफ पीपल है हु वॉन्ट टू बी नोन फॉर देयर वर्क, उनको सिर्फ अपनी जानकारी चाहिए, उनको सिर्फ यू नो सोसाइटी में यूट्यूब पे सिर्फ चीज़ें बतानी है, एक्सप्लोर करनी है। काफ़ी मतलब जैसे हिस्टोरियंस है जो कि अपने इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं हमें, तो विभिन्न विभिन्न अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म के वाइज है यूट्यूब पे। मेरा वाह क्या है, मैं यूट्यूब पे क्यों आना चाहता हूँ, इसका एक स्ट्रेंज सा रीजन है अभी के टाइम मैंने अपना यूट्यूब जर्नी चालू क्यों किया। ये जो मेरा पर्सनल चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ से ना बहुत, ये आप भी सोचो, अगर आपको भी ठीक लगे तो आप भी चालू कीजिए। YouTube ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना जो आपको स्टार्टिंग के टाइम ना जज नहीं करता। फिलहाल तो मेरे से 20-25 दिन हुए, मैं आगे जाके हाथ जोड़ के ये भी बोल सकता हूँ कि मैं आगे जाके आज की वीडियो पे बोल सकता हूँ कि मैं यू नो रॉन्ग कर रहा था, पर अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं YouTube वीडियो इसलिए बनाता हूँ बिकॉज अंदर से ना कथारसिस होता है, बिकॉज रियल लाइफ में ना मैं भी बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी लोग यू नो उनके पास वक्त नहीं होता है, तो मैं कैमरा खोल के कैमरा से बातें करता हूँ। एंड सो सॉरी टू गो, सो बेसिकली YouTube ने ना मुझे, मेरा कथार्सिस होता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बात कर सकता हूँ, और जब ये चीज़ें बाहर आती है, मे बी कैमरा के सामने आती है, तो काफ़ी हद तक ना मुझे ना थोड़ा सुकून सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हो, चाहे मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे मैं एक कुछ भी, मतलब किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो ये शेयर करने में ना मुझे मे बी काफ़ी खुशी होती है। मैं अपना कभी कभी मैं थोड़े बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बना देता हूँ, कभी कभी मैं यू नो जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ मिला रेंटल्स का, यू नो मार्केटिंग का, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड इसकी वजह से मेरा एक 170 लोगों का जो अभी तक है एक छोटा सा कम्युनिटी बन गया है उससे, एंड मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं इनके साथ इंटरेक्शन कैसे कर सकता हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ वी कैन हैव मोर इंटरेक्शन। तो ये 170 लोग जब मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, जो तू है ना, यू आर नॉट समबडी यूजलेस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड में यूटिलाइज यू नो मैं बोल रहा हूँ, बट
आपकी जो बातें हैं, आपकी जो विचारधारा है, उसका कुछ वैल्यू है। इट इज़ नॉट यूजलेस बिकॉज वी आर लिविंग इन अ जनरेशन। हम लोग ऐसे एक जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे ना सेल्फ डाउट ना बहुत है, एंड हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ना लोग बहुत खड़े रहते हैं। लेकिन यूट्यूब पे जैसा मैं सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहला चीज़ मेरे यू नो क्या कमेंट्स है, क्या ऑडियंस काउंट है, वो देखता हूँ ना, मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि इट इज़ ऐसा लगता है कि इट इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई तू एक अच्छी चीज़ कर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आप व्यूअर हो, प्लीज़ 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 स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी नाउ। अगर आप सोचो कि नहीं मैं यू नो 10 दिन के बाद चालू करूँगा, 1 महीने के बाद चालू करूँगा, नहीं भाई, नहीं दोस्त, आज चालू कर, अभी चालू कर। बिकॉज जब भी चालू करेगा ना, तेरे स्टार्टिंग के वीडियोस ख़राब भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, पर चालू कर। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हमारे ब्रेन में ना इनग्रेन चीज़ है कि हम लोग ना बहुत माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। यार मैं ये सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्शन के पीछे मत भाग दोस्त, कंसिस्टेंसी के पीछे भाग। ये मैंने सीखा है और मैं ये अप्लाई करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कंसिस्टेंसी, कि नहीं मेरा वीडियो 8 या 9 बजे के बीच में आएगा, मैं एवरी डे उठूँगा, मैं एवरी डे। वो कहते हैं ना कि एक हीरे को बनाने के लिए ना जो पत्थर, उसको बहुत घिसना पड़ता है, तो घिसना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंसी का गेम है ये, वो चीज़ है। सो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला होगा। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन यस दैट यू आर गोना स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल टुडे। बाय गाइस, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ, एंजॉय।